हर सरकारी महकमे में रिश्वत के रोगी मौजूद हैं। जब तक उन्हें रिश्वत नहीं मिल जाती, मजाल है जो किसी की फाइल आगे बढ़ जाए। आलम यह है कि जब एक टेबल के बाबू का पेट भर दिया जाता है, तब आपकी फाइल दूसरे रिश्वत के भूखे बाबू के पास पहुंचती है। लेकिन सरकारी दफ्तर ही नहीं, दफ्तर के बाहर भी सरकार के लिए काम करने वाले बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते। दुमका से एक अमीन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते अमीन गिरफ्तार। जमीन का ट्रेस मैप बनाने के लिए मांगी थी रिश्वत। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता को कई महीने से घुमा रहा था अमीन। दुमका के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के जून पोखर गांव से एक घूसखोर सरकारी अमीन को गिरफ्तार किया है। अमीन शिशिर भट्टाचार्य जमीन का ट्रेस मैप बनाने के नाम पर शिकायतकर्ता जेम्स सोरेन से 10,000 रुपए घूस की मांग कर रहा था। जमीन का ट्रेस मैप बार बार बनाने के लिए शिकायतकर्ता अमीन से गुहार लगा रहा था, लेकिन अमीन लगातार 30,000 रुपए ट्रेस मैप बनाने के बदले मांग रहा था। अंत में शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका के संथाल परगना कार्यालय में की। पहले शिकायतकर्ता द्वारा अमीन को 1,000 रुपए भी दे दिए गए थे। शिकायतकर्ता जेम्स सोरेन के मुताबिक जमीन का ट्रेस मैप बनाने के बदले अमीन ने 30,000 रुपए की मांग की थी। रुपए नहीं देने के कारण अमीन शिकायतकर्ता को एक महीने से घुमा रहा था। जब 1,000 रुपया दे दिया गया तो जमीन की नाप कर ली गई। आखिर में तंग आकर उसने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत ये किए थे कि हमारा ट्रेस पेपर नहीं दे रहा था वो अमीन बाबू। ट्रेस पेपर के बदले वो हमसे 30,000 मांगा, तो 30,000 नहीं दे पा रहे थे, तो एक महीना से हमको घुमाया नहीं दे रहा पेपर। तो लास्ट में आज हम जो दिन फर्स्ट में बोले 1,000 तो नापी क्या, फिर घर आया तो 200 रुपया दिए, आज 10,000 दिए तो नापी करके वो ड्रेस तो बना के हमको दे दिया आज। जब शिकायतकर्ता अमीन को 10,000 रुपए देने उसके घर पहुंचा, तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अमीन को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और घूसखोर अमीन को जेल भेज दिया। ये है जेम्स सोरेन, पाकुड़िया का रहने वाला है। वो अपने जमीन के बंदोबस्ती हेतु ट्रेस मैप बनवाने के लिए अमीन शिशिर भट्टाचार्य से कॉन्टेक्ट किया। शिशिर भट्टाचार्य के आगे 30,000 रुपया आज ईसीबी की टीम के द्वारा 10,000 रुपया लेते हुए शिशिर भट्टाचार्य को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकारी महकमे के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं? आखिर क्यों हर काम के लिए सरकारी कर्मचारी को रिश्वत चाहिए? रिश्वत के ऐसे रोगी हर महकमे में मिल जाते हैं। रिश्वत का दंश देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। गुनाह के लिए दुमका से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।